आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जेहाद, लव जेहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है, बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है, देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहां के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंद कर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े हैं। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण, सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो यही संथाल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दी। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल जी ने डाला और अटल जी ने ही आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और झारखंड के हर रेलवे स्टेशन पर संथाली में घोषणा करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कल्याण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को देश के राष्ट्रीय कक्षा के सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित किए। और सबसे ज्यादा पिछड़े अगर किसी एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27% पिछड़ा रहता है।